तो बुद्धा लैंड के नाम से फिर हम लोगों ने अपने राज्य का आंदोलन शुरू किया और हम लोगों ने आगाज किया कि अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल नहीं बनेगा, पुण्यांचल नहीं बनेगा, गोरक्ष प्रांत तो नहीं है बनेगा, जब भी बनेगा ये बुद्धा लैंड बनेगा और बुद्धा लैंड के नाम से हम लोग इसको अलग राज्य बनाने की लड़ाई को लेकर के चल। योगी से नहीं डर लगता आपको? नहीं, क्यों डरेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, ऐसे लोगों से डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। अभी फिल्म आया था ना कि किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, तो इतने बार छापे मार चुके हैं हमारे घर पे और इतने मुकदमे ला चुके हैं कि अब डर ही खत्म हो गया है। जेल में जो बंद है वो केवल टीवी देख रहा, अखबार देख रहा, सोशल मीडिया उसके पास है नहीं, तो पूरा पूरा एकदम बीजेपी सपोर्टर बना हुआ, मोदी का सपोर्टर बना हुआ है जेल में। जेल में जो कैदी है वो बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी सपोर्टर। आप जाएंगे तो पहले आपकी बहन तो इनसे होगी, अरे यार सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा, और जब सरकार ईवीएम से बन रही है तो ये कोई मसला ही नहीं रहता किसकी सरकार। जब सरकार पैसे से बन रही है, पूरी मीडिया एक तरफा होकर के सरकार बना रही है, सारी मीडिया का ओपिनियन गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं चुनाव में, तो सरकार किसकी बन रही है इस पर हम बात नहीं करते हैं। जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज बिग। इस वक्त मैं गोरखपुर में मौजूद हूं, ये पूर्वांचल का इलाका है और पूर्वांचल के इलाके होने की वजह से इसकी बहुत खास अहमियत हो जाती है। साथ ही यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो भी यहाँ से ही आने वाले, उनका डेरा यहीं पर है और इस पूरे इलाके की यूपी में खास अहमियत है, अलग से राज्य बनाने की भी मांग होती है। तो इन मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ धीरेंद्र प्रताप हैं, जो कि असुर नाम का एक संगठन है, अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन फोरम फॉर राइट्स, ये नाम से एक संगठन है और खासकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के हक के लिए काम करने वाले लोग हैं और योगी सरकार की विशेष कृपा रहती है धीरेंद्र पर, बार बार इनको जेल ले जाते हैं और धीरेंद्र जो है और इनका संगठन जो है वो बुद्धा लैंड के नाम से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसमें ये पूर्वांचल को अलग प्रदेश बनाने की बात होती है, तो इनका कहना है कि उसको बुद्धा लैंड का नाम देना चाहिए, जो ये जिले हैं इनको मिलाकर एक बुद्ध की भूमि का एक प्रदेश बनाया जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है धीरेंद्र आपका हमारे चैनल में। जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं जय भीम से अभिवादन करता हूं। क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? अभी संघर्ष ही चल रहा है, स्ट्रगल ही चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि संविधान खतरे में है, भाईचारा खतरे में है, उसी की लड़ाई, उसी को बचाने की लड़ाई चल रही है। तो योगी राज में लड़ाई लड़ रहे हैं, योगी तो जो लड़ता है उसको तुरंत अंदर ले जाते हैं ना? नहीं, तो अंदर बाहर हम लोग जा चुके हैं। वो एक अभी फिल्म आया था ना कि किसी को इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, तो इतने बार छापे मार चुके हैं हमारे घर पे और इतने मुकदमे ला चुके हैं कि अब डर ही खत्म हो गया है। योगी से नहीं डर लगता आपको? नहीं, क्यों डरेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, ऐसे लोगों से डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो योगी सरकार से आपकी पहली मुठभेड़ कब हुई, कब ऐसा मतलब जो गिरफ्तारी हुई या फिर क्योंकि जब 5 साल वो सरकार चलाने वाले हैं तो आपका संघर्ष लगातार उन्हीं से रहा होगा, कैसे हुआ? नहीं देखिए, हम लोग अलग राज्य की लड़ाई से जुड़े हुए हैं, वहीं से शुरुआत हुई हम लोगों की, तो हमारी गिरफ्तारी तो बसपा शासन में भी हुआ, सपा शासन में भी हुआ। अच्छा, उसमें भी हम लोग जेल में गए हैं, लेकिन योगी शासन में क्या हुआ कि बसपा और सपा शासन ये था कि हम लोग राजनीतिक तौर पर कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं सड़क जाम कर रहे हैं तो वो मुकदमे लगते थे। योगी सरकार में फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं और आपराधिक मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनका फर्क ये है। बसपा और सपा के शासन में पुलिस टॉर्चर नहीं करती थी, एक नियमित तरीके से जो गिरफ्तारी वो करती थी, ये क्राइम ब्रांच को लगा रहे हैं हमारे पीछे, क्राइम ब्रांच ले जा रही है, रात भर उठा करके बंद करके मार रही है, यहाँ तक कि मुझे ना मेरे भाई को भी उठा ले जा रही है, सोचिए, मेरे घर वालों को भी परेशान कर रही है, मुझे और मेरे भाई दोनों लोगों को जेल घर से उठा करके ले गए और फेसबुक पर लाइव हुआ था सारा कुछ, सारा रिकॉर्डिंग है, उसके बाद भी पुलिस ने स्टोरी बना दिया कि ये लोग किसी चौराहे पर खड़े होकर के पुलिस के ऊपर इन लोगों ने गोली चलाई और उस जुर्म में हम लोगों को अंदर कर दिया गया। आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने गोली चलाई? हाँ, हमने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस के साथ मारपीट किया और फिर हम लोग भाग गए और भाग के जाके घर में अपने सो गए और पुलिस आई फिर गिरफ्तार करके ले गई। तो इस शासन में क्या है ना कि आपको अपराधीकरण किया जा रहा है, मतलब जो भी एक्टिविस्ट है उसको अपराधी बना दिया गया है, ठीक है। अब वही एक ही धारा बचा है, देशद्रोह और यूएपीए, ही दोनों बचा है, बार बार एनएसए लगा दो, यूएपीए लगा दो, बहुत सारे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं खासकर या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो इस समय जेलों में बंद हैं। जी, तो आप जब जेल में बंद थे तो कैसा अनुभव रहा, जो कस्टोडियल टॉर्चर और हिंसा की जो बात सामने आती है, किस तरह का अनुभव रहा जेल में?
देखिए इन्होंने अपने हर जगह अपने आदमी बैठा रखे हैं। हम जेलों की बात नहीं कर रहे, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आरएसएस और बीजेपी के लोग बैठे हैं, उनको पूरा पावर है कि वो जो भी उनके खिलाफ जा रहा है उसको चिन्हित करे, उसको पनिशमेंट किया जाए, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, हर विभाग में हो रहा है। तो उसी तरीके से जेलों में भी है, जेलों में भी संघ के लोग पहुंचे हुए हैं और वहां पर अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब जेल तो कोई अच्छी जगह है नहीं, लेकिन यहाँ पर जेलों की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, और अभी मान लीजिए 700 लोगों की क्षमता है जेल में, 1200 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, खड़े होने मतलब हम लोग एक इस बार अभी लास्ट वाला जो गए थे 21 दिन थे जेल में, तो 21 दिन हम लोग सो नहीं पाए, दिन में सोते थे, रात भर खड़े रहना पड़ता था। जेलों में बहुत खराब स्थिति है, और जब आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल करके जाएंगे तो समझ लीजिए कि फिर आपको हर जगह टॉर्चर होना पड़ेगा। जेल में जो बंद है वो केवल टीवी देख रहा है, अखबार देख रहा है, सोशल मीडिया उसके पास है नहीं, तो पूरा पूरा एकदम बीजेपी सपोर्टर बना हुआ, मोदी का सपोर्टर बना हुआ है जेल में। जेल में जो कैदी हैं वो बीजेपी सपोर्टर है। बीजेपी सपोर्टर है। आप जाएंगे तो पहले आपकी भेंट तो उनसे होगी, अरे यार सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा तो यार देखो अखबार में निकला है, ये निकला है, देखो ये निकला है। हम कहे भैया तुम लोग असली मीडिया से परिचित नहीं हो, सोशल मीडिया यहाँ पे यूज होती नहीं है, तुम लोग टीवी देख रहे हो और अखबार पढ़ रहे हो। तो टीवी अखबार क्या कर रहा है ना कि पूरे देश को मतलब अपराधियों का ब्रेन वॉश वो भी हो गया, और वैसे भी बहुत सारे अपराधियों को तो वो विचारधारा पसंद भी है, वो उसको पसंद भी करते हैं, राजनीति में भी हैं। उससे एक शेल्टर मिल जाता ना, अपराधियों को शेल्टर मिल जाता, भाई धर्म है, राष्ट्रवाद है, और ये दोनों ऐसा शेल्टर है ना कि बहुत बड़ा बड़ा अपराध इसमें जो है जा करके व्हाइट कलर हो जाता है। आप जो है धीरेन्द्र, आप शायद मार्शल आर्ट्स करते रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह, स्पोर्ट्स पर्सन की तरह भी आपके ख्वाब रहे होंगे, तो वो जो आपका ख्वाब था मार्शल आर्ट करने का या उसमें करियर बनाने का, उससे फिर एक्टिविज्म में एंट्री, और इसको आप कैसे मतलब तालमेल बिठा के रखते हैं, अभी भी खेलते हैं या वो छोड़ दिया है काम आपने? नहीं, चूंकि खेल से ही हम जो है समाज में हमारा पदार्पण हुआ था, तो उससे हम जुड़े हुए हैं, और ये जो मार्शल आर्ट्स खेल है ना, ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 500 लोगों ने 28,000 लोगों को मारा था 1818 को, युद्ध लड़कर के जीता था, तो इसी मार्शल आर्ट्स के दम पर जीता था, भीमा कोरेगांव। बुद्ध की दम की रक्षा के लिए जो नागवंशी थे वो भी मार्शल आर्ट्स के जानने वाले लोग थे। और ये जो मार्शल आर्ट्स है कि बिना हथियार रखे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, अहिंसा परमो धर्म को ये उद्घोष करता है कि बिना हथियार रखे आप अपनी आत्मरक्षा कर लीजिए। जो भी मॉन्क्स थे प्राचीन काल में, उन्होंने मार्शल आर्ट्स का यूज करके ही अपनी आत्मरक्षा की थी। तो ये हमारे खून में है, ये तो हमको करना ही करना है। और ये बात हालांकि हमको मार्शल आर्ट से जुड़ने के बाद पता चली, और खास करके तब पता चली 2006 में मैं टीम लेकर के गया था, लेकिन थोड़े से छोटे से मसले को लेकर के, कि जूडो की टीम टिकट पर कराटे की टीम चली गई, उस पर मुझे जेल भेज दिया गया 2006 में, और यहीं के लोगों ने भेजा। मैं मतलब एक इनोसेंट बच्चा था उस समय, और खेलता था, नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, मेडल भी मैं देश के लिए और शहर के लिए जीता था अपने, लेकिन मुझे जेल भेज दिया गया। एक महीना मैं जेल में रहा, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जातिवाद है अभी और बहुत कट्टरता से है, और जो कोई भी बहुजन समाज का आदमी जाति देख कर जेल भेजा गया। क्योंकि उस तरह के मामले बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं खेल के, मतलब हम ट्रेन से आ रहे हैं, हमने फाइन भी भर दिया, जो मतलब बता रहे थे कि टिकट गलत है, तो हमने उसका फाइन भी भर दिया, उसके बाद भी हमको जेल भेज दिया गया। तो एक महीने में मैं जेल में रहा, और जेल में रहने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने अपना संगठन बनाया पूर्वांचल सेना के नाम से। बाबा साहब का नाम भी मैं उस संगठन में जोड़ना चाहता था, लेकिन उस समय हमारे पास सोशल मीडिया नहीं थी, अखबार था जो मनुवादियों के हाथ में था, और वही एक प्रचार प्रसार का संसाधन था। तो हमने किनारे करके पूर्वांचल सेना नाम से संगठन बनाया, और हम लोग लड़ाई में उतर गए। और अलग राज्य का कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे आया कि जब हम लोग नेशनल लेवल पर कोई टीम लेकर के खेलने जाते थे, तो यूपी में 22 करोड़ लोगों की आबादी से 11 लोग 12 लोग खेलने जा रहे हैं, महाराष्ट्र की टीम अलग आ रही है, विदर्भ की टीम अलग आ रही है, और मुंबई की टीम अलग आ रही है, उनके अपने जोन के हिसाब से अलग, जोन के हिसाब से। तो हमारा उत्तर प्रदेश भी तो 5 भागों में बटा हुआ है, 5 जोन बटे हुए, जिसमें से उत्तरांचल अलग हो, उत्तराखंड अलग हो गया, लेकिन अभी भी 4 जोन बचे हुए। तो उसमें उसका टीम हमको बना करके ले जाना चाहिए। तब जाकर के फिर मैंने और पढ़ाई की, फिर मैंने बाबा साहब का वांग्मय पढ़ा, तो उनमें संपूर्ण वांग्मय का भाग एक में ही बाबा साहब ने जो है छोटे राज्यों के बारे में लिखा है, और उत्तर प्रदेश में 3 राज्य बनाने की बात, छोटे राज्य बनाने की। बाबा साहब कहते हैं कि प्रशासन सही हो जाएगा, न्याय व्यवस्था सही हो जाएगी, आम आदमी की सत्ता तक
पहुंच जो है आसान हो जाए, सुलभ हो जाए, ठीक है। अभी जो 400 किलोमीटर दूर है हाई कोर्ट यहाँ से, बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर है, तो एक गरीब आदमी का जब जमीन कब्जा होता है, गरीब आदमी कौन है, यही एससी ओबीसी, इनकी जमीन जब कब्जा होती है तो वो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हाईकोर्ट नहीं जा पाता है, मतलब न्याय से वो दूर है, न्याय से दूर है। और दूरी देरी बनाती पैदा करती है, देरी भ्रष्टाचार पैदा करती है। तो ये सारी बातें थी, हमको लगा कि पूर्वांचल अलग अलग स्टेट होता तो इसकी टीम बन के जाती आराम से, तो हमारे और खिलाड़ियों को मौका मिलता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्यादा संपन्न है, मेरठ दिल्ली नोएडा सटा हुआ है तो ज्यादा संपन्न है, वहाँ के खिलाड़ियों को ज्यादा फैसिलिटी मिलती है तो वही सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ के खिलाड़ी अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। पूर्वांचल की जो मांग उठती है, ये बैन जी के शासनकाल में प्रस्ताव भी पारित हुआ कि चार भागों में बांट देना चाहिए, तो पूर्वांचल को अलग प्रदेश बनाने के लिए आप लोग आंदोलन करते रहे हैं जी। लगातार आपकी टीम जो है वो विरोध प्रदर्शन करना या फिर रैली निकालना, धरने करना, ये सब करते रहे, तो ये मांग मतलब इसका ठोस कारण क्या है, क्यों आप चाहते हैं कि अलग से प्रदेश बनना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हम बहन जी को धन्यवाद करेंगे, उन्होंने राज्यों को तो बांटने का प्रस्ताव भेजा ही, इसी प्रदेश में नए जिले भी बनाए। अभी यहाँ पर देवरिया, गोरखपुर और ये सिद्धार्थनगर अगर एक में था, बस्ती एक में था, तो उस समय डीएम से मिलने के लिए हमारे समाज के लोगों को एक एक महीना लाइन लगाना पड़ता था, वो राशन वोशन लेकर के आते थे यहाँ पे। जिला अलग हुआ, डीएम अलग हो गया, आम आदमी जिलाधिकारी तक शिकायत लेकर के अपनी पहुंच जाता है। तो ठीक यही कॉन्सेप्ट है कि छोटा राज्य होगा, अलग राजधानी होगी, अलग हाई कोर्ट होगा, अलग लोक सेवा आयोग होगा, तो जो आम आदमी है उसको न्याय जल्दी मिलेगा, उसकी शासन प्रशासन में पहुंच होगी। और 22 करोड़ की आबादी को लेकर के एक मुख्यमंत्री कैसे काम कर सकता है? एक तो ईमानदार नहीं है, जाति धर्म में रंगे हुए लोग पहुंच रहे राजनीति में, उद्योगपतियों के जो चाटुकार है वही राजनीति में पहुंच रहे हैं, चुनाव महंगा कर दिया गया, उसके ऊपर से 22 करोड़ की आबादी, न्याय कहां मिलेगा? तो न्याय हमारे हमको न्याय से हम दूर हो चुके हैं। तो छोटा आबादी होगा उसका गवर्नेंस ठीक से हो पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ढंग से मेंटेन हो पाएगा, और उसका सबसे ज्यादा फायदा शोषित और वंचित तबके को मिलेगा, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसे वो पहुंच जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, हमारे लोगों के लिए दिक्कत होगा। हमारी छोटे राज्यों की बात करते हैं तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत ये काम होना चाहिए, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग छोटे राज्यों की बात कर रहे हैं। और जो दूसरी बात है कि जब आपका हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बुद्ध यहाँ से निकले, 16 महाजनपद का केंद्र यही था, लोकतंत्र यही से सृजन हुआ, बुद्ध का जन्म स्थल ये है और बिहार इसका कर्म स्थल है। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली, भीमा कोरे गांव में जो उन्होंने बहुजनों का शौर्य देखा, यहाँ पर उन्होंने गोरखाओं का शौर्य देखा, उनको समझ में आ गया कि इनका कनेक्शन सीधे सीधे बुद्ध से है। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना करके जितने बुद्ध के जहाँ पर अवशेष हैं उसको चिन्हित करा, आइडेंटिफाई करा, चाहे कुशीनगर हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे कपिलवस्तु हो, चिन्हित करा करके बुद्ध को फिर से जिंदा किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बुद्ध को मानने वाले 200 देशों में लोग रहते हैं, बुद्ध को यहाँ जिंदा किया जाएगा तो यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। यहाँ पर उन्होंने रेल जोन का, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय इसको गोरखपुर को बनाया, ठीक है, यहाँ पर लेबर कैंप बनाया, उनको मालूम था कि बुद्ध के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर लोग आगे जाएंगे, तो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर लेबर कैंप है और यहीं से इसी लेबर कैंप से लोगों को भर्ती करके अंग्रेजों ने जो अपने उपनिवेश थे वहां पर भेजा और यहाँ के मेहनती लोगों ने जाकर के उसको बसाया भी, पूरे मुल्क बनाया। और आज भी देखिए भारत के जितने भी महानगर है वहां पर काम करने वाले यहीं के लोग हैं। तो अंग्रेजों ने इसका बहुत डेवलपमेंट किया, यहाँ पर पिपली वन क्षेत्र था जो बौद्ध काल का, जिसको नष्ट कर दिया गया था पश्चिमी शुंग के समय में, उस जंगल को फिर से बसाया। आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर कुसमी से आपको जंगल मिलेगा जो नेपाल बॉर्डर तक जाता है, वो जंगल, उस जंगल को फिर से बसाया। सारे बौद्ध परिपथ को उन्होंने सड़क मार्ग से जोड़ा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था कि बुद्ध के नाम पर टूरिज्म को डेवलप करना। अंग्रेजों के जाने के बाद से क्या हुआ? अंग्रेजों के जाने के बाद से बुद्ध का जन्म स्थल पूर्वी उत्तर प्रदेश और कर्म स्थल बिहार, इसको लेबर जोन घोषित किया गया, पीछे किया गया इसको जानबूझ करके। देश एक साथ आजाद हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ देश में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आज देख लिया क्या स्थिति है, सबसे ज्यादा क्राइम, जेंडर रेशियो देख लीजिए, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हिंदुत्व की प्रयोगशाला पाखंड का गढ़, सब कुछ यहीं से निकल रहा है। आपने नाम लिया हिंदुत्व का और पाखंड की पाठशाला का, तो
आप तो बुद्ध की भूमि बता रहे हैं कि ये जिलों को मिला के बुद्धा लैंड है, बुद्ध का एक प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके विचारधारा के जो लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, वो इसको कहते हैं कि इसको पूर्वांचल ना कह के पुण्यांचल एक नया प्रदेश बनाना चाहिए, धर्म से, गोरक्षा से, और गोरक्ष प्रांत वो अपने पोस्टर बैनर में भी लिखते हैं कि गोरक्ष प्रांत है। तो ये हिंदुत्व बनाम बुद्धिज्म या जो अंबेडकराइट विचारधारा है बनाम संघी विचारधारा, इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, शुरू में तो ये लोग विरोध कर रहे थे और उनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उस तरह से देखा है तो अखबारों में उस तरह की चीजें छपती थी उस समय जब व्हाट्सएप नहीं था, तो ये कहते थे कि ये देश का टुकड़ा टुकड़ा करने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग। अभी पूरा देश जानता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है जेएनयू से शुरू हुआ। टुकड़े टुकड़े गैंग सबसे पहले हम लोगों को कहा गया क्योंकि हम लोग प्रदेश में नया उत्तर प्रदेश में पहले आपको कहा गया, सबसे पहले हमने कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग हमको कहा गया। और योगी अपने मंचों से कहते थे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये प्रदेश का बंटवारा करना चाहते हैं, देश बांटना चाहते थे। अब उनके पास बड़ा माइक था, हम लोगों के पास छोटा माइक था, लेकिन हम लोग छोटे माइक से बोलते थे कि थोड़ा पढ़ो लिखो, नया प्रदेश बनेगा तो भारत में ही बनेगा, प्रदेश बनाने का अलग मुल्क नहीं मांग रहे, अलग मुल्क नहीं मांग रहे हैं, और देश बड़ा होना चाहिए। तुम लोग देश छोटा कर रहे हो, कहीं चीन कब्जा कर रहा है उधर से, कहीं पाकिस्तान कब्जा कर रहा है, देश बड़ा होना चाहिए, प्रदेश छोटा होना चाहिए। अमेरिका में 50 करोड़ की आबादी है, 25 राज्य है, 25 करोड़ की आबादी 50 राज्य है अमेरिका में, तो वहां पर गवर्नेंस देख लो और अपने यहां देख लो, 22 करोड़ की आबादी पर एक राज्य। हम लोग एक नया प्रदेश बनाना चाहते हैं, नया देश बनाना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि इनके पास इतनी व्यवस्था है, सोशल मीडिया है और आईटी सेल है, और वो जो जो प्रचार करते हैं उसी को सच मान लिया जाता है, झूठ को इतना ये बढ़िया से बोलते हैं उसको सच मान लिया जाता है। तो लेकिन क्या हुआ कि बहन जी ने 2011 में अपने विधानसभा से प्रस्ताव बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, तब जाकर के हमारे आंदोलन पर पुख्ता मोहर लगा कि नहीं, ये हम लोग अलग देश नहीं मांग रहे, हम लोग एक अलग राज्य मांग रहे हैं। हालांकि सन 2000 में नए राज्य बने थे, लेकिन उसको नए राज्य को इतने गलत तरीके से देश के सामने प्रस्तुत किया गया कि जैसे टूट गया, बंटवारा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जबकि वो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, लॉ एंड ऑर्डर ढंग से मेंटेन करने के लिए, विकास की जो योजना है उसको आम आदमी तक पहुंच ढंग से बनाने के लिए किया गया था। तो बाद में हम लोगों को जो थोड़ा बल मिला, सोशल मीडिया ही, तब हम अपनी बात को कह पा रहे हैं। और जब इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया, अब अभी तो योगी को ये नहीं मालूम था कि हिंदुत्व का मामला इतना बड़ा चला जाएगा, तो अभी तो ये मोदी के खिलाफ थे, अपना हिंदू या वाहिनी लेकर के अलग से चलते थे, तो इनको लगा कि नहीं अब ये पूर्वांचल राज्य अलग हो जाएगा, और अलग हो जाए तो हमारा कब्जा कैसे होगा, तो वही हिंदू मुस्लिम वाली थ्योरी, भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे तो यहाँ पर इस धरती पर पुण्य होता तो पुण्यांचल होगा। पुण्यांचल का मसला कुछ आगे बढ़ा, देश में 2011-12-13 में गोरक्षा का मामला टूल पर पकड़ा, तो बोले नहीं ये पुण्यांचल नहीं, गोरक्ष प्रांत बनेगा, गोरक्षनाथ वाला नहीं, गोरखनाथ नहीं, गोरखनाथ से ये जानते हैं, गोरखनाथ जो है मायानी बौद्धिस्ट थे और वो बुद्ध की आज ब्राह्मणवाद के विरोधी, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, तो वो जानते हैं इस नाते वो गोरक्षनाथ से नहीं जुड़ रहे, इसको गौरक्षा से, गौरक्षा से मतलब गाय को आप दूर करके देख लेंगे तो वो जेल जाएंगे, वो वाला कानून यहाँ पर लागू करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा गोरक्ष प्रांत बनेगा, गोरक्ष प्रांत के नाम पर इन्होंने अपना बैनर भी अपना ये लगाते हैं, रैलियां भी करते हैं और तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि राज्य का जो मसला है केंद्र सरकार के हाथ में ही होता है, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ला करके राज्य बनाती है, जब केंद्र में इनकी सरकार आ गई तो ये उस पर चुप हो गए, मतलब पहले जब सपा के टाइम पे वो आंदोलन के समर्थन में आए क्योंकि सपा की सरकार थी, लेकिन अब जब बागडोर केंद्र से राज्य में बीजेपी की आ गई तो चुप हो गए। और जब बहन जी ने भेजा था प्रस्ताव यहाँ से बना करके, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को ये खूब क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि ये राज नहीं बांट रहे हैं। अभी राज्य में, अभी ये केंद्र में है लेकिन राज्य पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और जो हिंदुत्व का या कहते हैं अंधभक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इनको लगा कि अरे हम तो यूपी का मुख्यमंत्री बन गया, अब बांटने की क्या जरूरत है। अब यूपी में 403 सीटें हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, ज्यादा लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, ज्यादा विधानसभा सीटें, ज्यादा बजट भी, तो यूपी ज्यादा बजट भी है, यूपी में आने के बाद आदमी सीधे फिर दिल्ली के का सपना 24 की तैयारी, हाँ, तो फिर सब राजवाद सब किनारे हो गया। और लेकिन जाते जाते इन्होंने क्या किया, राज्य के मसले को कम्युनलाइज कर दिया। अब जो हमारा आंदोलन था, जो डेवलपमेंट को लेकर था, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर था, आम आदमी तक सत्ता की पहुंच बनाने को लेकर के था,
वो पीछे छूट गया। हम चाहते थे कि इस पर जो लेबर जोन का कलंक लगा हुआ वो खत्म हो, यहाँ से जो आज भी मजदूर हैं दिल्ली मुंबई में जाकर के धक्का खा रहे हैं उन लोगों को यही रोजगार मिले, हमारा खुद का पर्यटन उद्योग डेवलप हो जाए, वो सारा मसला पीछे छूट गया। तब हम लोगों ने अपनी बैठक बुलाई और हम लोगों ने कहा कि देखिए भाई इनका जवाब देना पड़ेगा और ये एक गलत इतिहास इस पर इम्पोज कर रहे हैं। राम के नाम पर जो टेरर दुनिया में फैल रहा है उसी टेरर का ये इस्तेमाल करना चाहते हैं मुसलमानों को डराने के लिए और इसका एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इम्पैक्ट पड़ेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आज यहाँ 10 साल पहले आते थे आज यहाँ पर नहीं आते हैं, वो जानते हैं हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गई है और यहाँ पर डर के नाते नहीं आते हैं। कुशीनगर लुम्बनी आप जाइए वहाँ आपको कोई फॉरनर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग चाहते थे कि इसका विकास हो। अब वो जो मुद्दा पीछे छूट गया उसका कम्युनलाइजेशन हो गया संप्रदायीकरण हो गया, तो हम लोग अपना विचार अपना कमेटी की बैठक बुलाए और बैठक बुला करके हम लोगों ने कहा कि देखो इनका जवाब देना पड़ेगा और ये जो इसका इतिहास है जो इसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके हिसाब से हमको इस राज्य को प्रमोट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने हमारे एक संरक्षक जो अभी कोविड में नहीं रहे योगेंद्र सर थे, उनका एक प्रस्ताव था कि हमने बुद्ध प्रदेश का नाम रखा, उन्होंने कहा कि बुद्धालैंड नाम रखा जाए, तो बुद्धालैंड के नाम से फिर हम लोगों ने अपने राज्य का आंदोलन शुरू किया और 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव की जो 200वीं वर्षगांठ थी उस दिन हम लोगों ने 2700 जिलों के लोगों को बुला करके गोरखपुर में रैली की और हम लोगों ने आगाज किया कि अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल नहीं बनेगा, पुण्यांचल नहीं बनेगा, गोरख प्रांत तो नहीं है बनेगा, जब भी बनेगा ये बुद्धालैंड बनेगा और बुद्धालैंड के नाम से हम लोग इसको अलग राज्य बनाने की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो वैचारिक इस समय इस देश में है वो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि केंद्र या राज्य सरकार मिलकर, जैसे अभी चुनाव होने वाले हैं तो चुनावी तौर पे योगी आदित्यनाथ प्रस्ताव ले आए और इसको गोरक्ष प्रांत या फिर जो पुण्यांचल है, क्योंकि उन्होंने आजमगढ़ में भी अभी एक दो दिन पहले बोला कि आजमगढ़ का नाम बदल देना चाहिए, तो अगर ऐसा होता है तो आप लोगों की रणनीति क्या होगी, कैसे आप उसका आंदोलन करेंगे, क्या कुछ उसके बारे में विचार किया? देखिए नाम बदलने का जो वो अपना नियम बना रहे हैं जो नींव डाल रहे हैं कि जगह का नाम बदला जाए, तो सरकारें बदलेंगे तो उस पर हम लोग भी काम करेंगे, हम लोग भी नाम बदलेंगे, हम लोग भी अपना दिमाग लगाया जाएगा, ऐसा तो सरकार बनाएंगे। चुनावी रुझान की बात कर रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी या उस तरह की वैचारिकी की कोई सरकार आएगी तो तब आपकी मांग को समर्थन मिलेगा, तो चुनाव में भी कुछ देखिए अभी तो हम अपनी मांग रख रहे हैं सबके सामने और बसपा चूंकि पूर्वांचल राज्य को सपोर्ट करती है तो निश्चित तौर पर वो हमारे आंदोलन का सपोर्ट करेगी। समाजवादी पार्टी अलग राज्य के खिलाफ रही है, वो राज्य के बंटवारे के विरोध में रही है तो उनसे हम समर्थन की उम्मीद नहीं करते। हालांकि मैंने अखिलेश भैया को पत्र लिखा, हम सबको पत्र लिखते रहते हैं कि भाई बुद्धालैंड राज्य बन जाएगा तो ये जो आत्मनिर्भर प्रदेश क्षेत्र बन जाएगा, सबको लिखते रहते हैं, अगर नहीं बनेगा तो हम भी चुनाव में उतरेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठेंगे, अभी हम लोग केवल राज्य की मांग कर रहे हैं, जो भी समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुता की लड़ाई है उसको लड़ रहे हैं और राज्य की मांग करने के साथ साथ ही जो इसका ब्लूप्रिंट है कि ये राज्य कैसा होगा, यहाँ जातिवाद नहीं होगा, यहाँ पर रोजगार बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी, यहाँ पर छुआछूत भेदभाव नहीं होगा, यहाँ हम लोग समतामूलक समाज बनाएंगे, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और उसी का एक अंग है कि हमने अपना एक छात्र यूनियन बनाया आसुर और पूर्वांचल न्यूदा अकेडमी बुद्धालैंड फाउंडेशन, तमाम इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा राज्य अगर बन जाता तो हमारा राज्य कैसे होगा, हम जो पानी आ रहा नेपाल से उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम बिजली कैसे बनाएंगे, हम बांध कहाँ बनाएंगे, वो सारा ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार करके रखे हैं, इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे करा करके जो हमारे इतिहास है जो हमारा भूगोल है उसको हम लोग फिर से चिन्हित कराएंगे और फिर से नया इतिहास लिखेंगे। तो ये लड़ाई थोड़ी लंबी मुझे नजर आ रही है, हम लोग ये लंबी लड़ाई लेकर के चल रहे हैं, हम लोग आगे 20 साल का आंदोलन लेकर के चल रहे हैं, हम लोगों को विधायक बनने की सांसद बनने की कोई जल्दी नहीं है ना ही हम कहीं चुनाव में उतर रहे हैं, हम लोग केवल जो हमारा समर्थन कर रहा है उसको सपोर्ट करेंगे जो भी ये चुनाव आ रहा है। जो चुनावी मुद्दा आपने बना दिया ये मतलब पार्टियों को मजबूरी में ही सही चुनावी फायदे के लिए ही सही इस अलग प्रदेश के लिए बुद्धालैंड के लिए या पूर्वांचल राज्य के लिए समर्थन देना पड़ेगा, ये आपने चुनावी मुद्दा बना दिया है क्या? बोला है अभी आरपीएन सिंह ने बोला है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम राज बनाएंगे, बोला उन्होंने, सब लोग बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं और बोलेंगे भी क्योंकि अलग राज भविष्य है, राज तो बनना तय है क्योंकि जो गवर्नेंस यहाँ पर है अभी
जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं या फिर घूम करके आप देख लीजिए ना कि कोई काम नहीं हुआ है। दो दिन में बनारस में रहा, वहां पर भी कोई काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं काम हो रहा है भाई? इतने पावर में है तुम, इस क्षेत्र यहाँ के मुख्यमंत्री, काम क्यों नहीं हो पा रहा है? एक बता दीजिए, जो पुरानी योजना थी, चाहे अखिलेश यादव की हो चाहे बहन जी की हो, उसी को रंग पोत करके अपने नाम से कर रहे हैं। कोई नई योजना लेकर के नहीं आए, ठीक है। बुद्ध के नाम पर यहाँ पर्यटक आना चाहते हैं, लेकिन उतना डरा सहमा दिया है। 3 साल पहले यहाँ पर बौद्धिस्टों के एक बस पर हमला हुआ था, अभी तक उसके लोग पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन अभी कुशीनगर में एयरपोर्ट शुरू किया, प्रधानमंत्री आए और उन्होंने बोला कि हम बुद्धा सर्किट पे भी काम कर रहे हैं और इसको बुद्ध की जो विरासत है उसको भी बढ़ावा देने की बात करते हैं। वो दावा तो करते ही हैं। खैर, आप लोग पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से सब लोग जानते ही हैं, अडानी को जितने भी एयरपोर्ट सौंपे गए हैं, पहले उस पर देश की जनता का पैसा खर्चा करके उस एयरपोर्ट को दुरुस्त किया गया। आज यहाँ पर एयरपोर्ट का इन्होंने उद्घाटन किया, अगले दिन वो ऑक्शन में आ गया, उसकी बोली लग गई। तो ये इन्होंने एक बजट बनाया हुआ 25-30 हजार करोड़ का बजट है वो, और उससे वो एयरपोर्ट को दुरुस्त कर रहे हैं और उन्हीं एयरपोर्ट को दुरुस्त कर रहे हैं जिनको अडानी को सोचना है, बेचने हैं। तो कुशीनगर में उनकी कोई मंशा नहीं कि इसको डेवलप कर दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बना दिया जाए। वो बुद्ध के नाम को बेचना चाहते हैं दुनिया में, बदनाम हो ही गए हैं, गोरक्षा और हिंदुत्व और ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसके नाम पर। तो बुद्ध के नाम को बेच करके ये जो थोड़ा अपना इमेज बनाना चाहते हैं, और दूसरा ये एयरपोर्ट कुशीनगर का एयरपोर्ट अडानी को सौंपने वाले हैं, और इसी नाते ये सरकार के खजाने में जो पैसा उसको खर्च करके वो बनाए, और कोई मंशा उनकी नहीं है। अच्छा। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की हम लोग मांग कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ भी आंदोलन करते थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना चाहिए, विपक्ष में थे, खत्म है। एम्स तो हम लोगों ने खुद लड़के बनवाए, एम्स इनकी देन नहीं है। एम्स के लिए गोरखपुर की एक एक व्यक्ति ने पोस्ट कार्ड लिखा, आंदोलन किया, तब जाकर के एम्स बना। बहुत लंबा एक और वो भी एम्स में डॉक्टर ये लोग नहीं आने दे रहे हैं। अच्छा, केंद्र में इनकी सरकार, स्टेट में सरकार है, लेकिन एम्स में इन लोग डॉक्टर बैठने नहीं दे रहे हैं। ये डॉक्टर बुला रहे हैं अपने मेडिकल कॉलेज में, इन्होंने खुद अपना मेडिकल कॉलेज बनाना है, जनता की जमीन हड़प करके यहाँ पर और हजारों एकड़ में इन्होंने कब्जा करके अपना मेडिकल कॉलेज बना लिया। एम्स क्यों खड़ा करेंगे? तो यहाँ पर डेवलपमेंट की उनकी कोई मंशा नहीं है, ये वही उसी एयरपोर्ट को डेवलप कर रहे हैं जिसको अडानी को बेचना है। अच्छा, मैं चूंकि चुनाव यात्रा पे भी निकला हूँ धीरेन्द्र, तो मैं अपना आखिरी सवाल लूंगा। मैं जनता से सवाल पूछता हूँ कि 2022 में किसकी सरकार, कौन यूपी का प्रधानमंत्री बनेगा या बनेगी? आपसे मेरा सवाल है क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति को भी आप समझते हैं, यहाँ पर एक्टिव भी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्या चुनावी मिजाज रहने वाला है जनता का? देखिए, किसकी सरकार बनेगी उस पर मैं एक ही लाइन कहता हूँ कि हम जिसको वोट देंगे हम उम्मीद करेंगे उसकी सरकार बने, ठीक है। किसकी सरकार बनेगी ये तो मतलब बेवकूफी है दौड़ना। हम कह रहे हैं बीजेपी की ही सरकार बन जाए, लेकिन हम वोट क्यों उसको देंगे अगर वो हमारे मन का काम नहीं कर रही है, वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे। सरकार किसी की भी बने, जो हमारे काम का, हमारे पूर्वांचल की बात कर रहा है, हमारे अलग राज्य की बात कर रहा है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता को फिर से जिंदा करने की बात कर रहा है, जो हमारे संस्कृति सभ्यता को पहचान दिया, ठीक है, जो हमारे समाज के लिए काम किया, मतलब हमारा जो बहुजन समाज, जो जिसको अपलिवमेंट की जरूरत थी उसके लिए रास्ते बनाया, उसको आरक्षण दिया, ठेकेदारी में आरक्षण दिया, हम लोग उसको वोट देंगे। चाहे किसी की भी सरकार बने उससे कोई मतलब नहीं है। और जब सरकार ईवीएम से बन रही है तो ये कोई मसला ही नहीं रहता किसकी सरकार बने। जब सरकार पैसे से बन रही है, पूरी मीडिया एक तरफा होकर के सरकार बना रही है, सारी मीडिया का ओपिनियन गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं चुनाव में, तो सरकार किसकी बन रही है इस पर हम बात नहीं करते हैं। और सरकार तो देखा जाए तो न बीजेपी की बन रही है, न सपा की बन रही है, न बसपा की बन रही है, अंबानी अडानी की सरकार बन रही है। हर जगह उन्हीं का काम हो रहा है, उनका पैसा बढ़ते जा रहा है। लॉकडाउन में पूरा देश बर्बाद हो गया और वो उनकी संपत्ति जो है चारगुनी बढ़ गई, तो सरकार उन्हीं की बन रही है। हमको वोट किसको देना है? जो हमारे राज्य का, अलग राज्य का समर्थन करता है, हमको उसको वोट देना है जो हमारे बहुजन समाज को ठेकेदारी में आरक्षण दे। हमको वोट करना है जो हमारे माइनॉरिटी समाज के लोगों को पढ़ने लिखने के लिए व्यवस्था करा, हमको उनको वोट देना जो दंगाई नहीं है, हमको उनको वोट देना जो समतामूलक समाज की बात करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमसे बात करने के लिए। थे धीरेन्द्र प्रताप, जिनका कहना है कि सरकार उसकी बने जो समतामूलक राज्य के निर्माण की बात करे, और चूंकि इनका एक अलग से प्रदेश बनाने की मांग है, आंदोलन करते हैं लगातार बुद्धा लैंड, क्योंकि गोरक्ष प्रांत और पुण्यांचल नाम की जो हिंदुत्व के जो फॉर्मूले हैं वो आ गए हैं, तो अब इन्होंने काउंटर में बुद्धा लैंड का एक अपना विचार रखा है।
धीरेन्द्र की बातें आपको कैसी लगी, इंटरव्यू आपको कैसे लगा, कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो में इसमें इसको पूरे इंटरव्यू को शूट करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार और अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।